में हम बैठे हैं। आपने सुना होगा कि जब कोई शहीद होता है तो पुरखे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो याद करते हैं फलाना को पोतो, फलाना को बेटो। और वो जो बेलड़ी होती है, याद करने की भी एक बेलड़ी होती है। वो कहते हैं कि शहीदों की जो एक बेलड़ी कि वो मेरो भाई हो, मेरो चाचो हो, मेरे फूफा को बेटो हो, मेरे मामा को बेटो हो, मेरे ताऊ को बेटो हो, वो जो बेलड़ी होती है परिवार की, वो हमें अपनेपन का एहसास कराती है। श्री सेवाराम जी मिक्का देवी जी की बाड़ी के पड़पोत्र, पड़पोता सर, श्री यादराम जी एवं श्री भूरु देवी जी का पुत्र, और श्री होशियार जी श्रीमती किताबो देवी के पुत्र। आज ये तीनों नाम अपने आप में अमर हो गए। मैंने इनके किसी भी नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, मैंने किसी भी नाम के आगे स्वर्गीय क्यों नहीं लगाया कि हम कहते हैं कि जननी तो है कि शायर जन्मे, कि जननी तो है कि शायर जन्मे, और वो जब जन्म जा कोई पीढ़िया में तो भी पीढ़िया का पुरखा भी अमर तत्व प्राप्त कर लेते हैं। आज वो बाड़ी हमारे बीच में हरी भरी हो गई है, और आज जो श्री सेवाराम जी उनकी सोहबत में रह चुके व्यक्तित्व को वो व्यक्तित्व याद आने लगा होगा, नजर आने लगे होंगे कि हाँ, इसी माटी कण में उनका पड़पोता खेला था। आज याद राम जी की स्मृति हमारे बीच में चिरंजीवी हो गई होगी कि हाँ जी, उनका पोता यहाँ से स्कूल जाता था। ये रेगिस्तान की जो माटी है, उस माटी में शहादत सोने के कणों की भांति समाहित है। और शेखावाटी अंचल के बारे में कहा जाता है कि मंदिर से ज्यादा हमारे शहीद स्मारक इस बात की गवाही देते हैं कि शहीदों के अवतार तो हमारे झुंझुनू में ही ज्यादा होते हैं। जी हाँ, अवतार अवतरण मैंने इसलिए कहा कि हम भगवान को इसलिए याद करते हैं, चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, कि उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके वे महामानव की पदवी तक पहुंचे, और जिसे हम परमपिता परमेश्वर के रूप में हम जानते हैं। कई बार हमने सुना होगा किसी व्यक्ति के लिए कि भाई राम है तो तू कर, अगर नहीं कर पाए तेरो राम ही निकल गो। कहते हैं ना हम ये बात कि तेरो राम ही निकल गो। राम यानी वो सत्य, वो कर्म, वो एकनिष्ठ भाव जो हमारे शहीद श्री राजवीर सिंह मेघवाल जी ने करके दिखाया है। दागड़ोली गांव में धर्मपाल जी की जो लाडली शीला देवी वीरांगना, हालांकि चेहरे से मैं उन्हें नहीं जानती, शायद हमारे बीच में विराजित हैं, आ चुके हैं वे। मैं चाहूंगी कि हमारी जो वीरांगना हमारे बीच में मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन किया जाए, स्वागत किया जाए, क्योंकि ये तालियों की गूंज जो इनके सम्मान में बजेगी वो उनकी अंतरात्मा तक भी पहुंचेगी। क्योंकि जब एक व्यक्ति छोड़कर जाता है तो अपना भरा पूरा संसार छोड़कर जाता है, लेकिन उस संसार में जाने की कीमत सबसे ज्यादा उस वीरांगना को चुकानी पड़ती है, क्योंकि वास्तव में उनके जीवन का राम तो चला जाता है। ये शब्द मैंने इसलिए यूज किया कि जब हम कहते हैं कि राम ही निकल गो, यानी जी निकल गो, उसके बाद उस वीरांगना का लिमिट में बनाओ, पता चल नहीं बनी लोडी बनी होगी दूसरे फोन में, ये समाज YouTube पे चल लेंगे सारे, YouTube पे हाँ
और उनकी बाड़ी को संचालित करना अपने आप में एक गुरु का भाग होता है। टाइम में भी थोड़ी देर पहले लाइव चल रहा हो चुका है और मैं पुनः गीत के लिए मंच को आमंत्रित करती हूँ। आइए, बड़ी दूर से चल के आई सोनिया दहिया जी आप लोगों के बीच में अपनी मनपसंद बातें दो लेके आ रही है इनके।